नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं कोलफिल मिरर, हर पल आपके साथ। बराकर बस स्टैंड में हमारा डांस एकेडमी है, जहां पर डांस, सिंगिंग, मॉडलिंग सिखाया जाता है। ये एक योगा दिवस पर हमारा महिलाओं के लिए योगा सुविधा की गई है। हमारा यहाँ एडमिशन फ्री है, जिन्हें भी करना है, इंटरेस्टेड है, वो संपर्क करें। और यहाँ ब्यूटिशियन भी सिखाया जाता है, और नीचे दिया हुआ नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। प्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा के उपलक्ष्य पर आज रविवार को विभिन्न संस्थाओं ने मिलकर वस्त्र वितरण का आयोजन किया है। उल्टी के सन्यासी स्थित मोहन सिंह डंगाल में आयोजित कार्यक्रम को लेकर जुपिटर फाउंडेशन ने अहम भूमिका निभाई। इसके साथ ही डेडिकेट फाउंडेशन और हुनर फाउंडेशन ने भी काफी सहयोग किया। कार्यक्रम का संचालन देवू घोष और संजय सिंह ने किया। खुजे पे সেগুলো খুঁজে পাওয়ার পর শ্রদ্ধেয় অরূপদা যেভাবে আমাদের মাঝে থেকে তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, আমরা কৃতজ্ঞতার কাছে। তাই মোহন সিং ডাঙ্গাল কর্তৃপক্ষের সকলের পক্ষ থেকে আমি চাইব আমাদের সভাপতি তথা জুপিটার ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান শ্রদ্ধেয় অরূপ রায় মহাশয় আমাদের জন্য তার কিছু উপদেশ, তার কিছু ভালোবাসার কথা শোনাবেন। কমিটিকে প্রথমেই আমি আমার রথযাত্রা উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এবং এই মোহন সিং ডাঙ্গালের যে পুজো দীর্ঘদিন ধরে হয়ে আসছে, হয়তো আমাদের কাছেও দিন ধরে এমনভাবে সুসঞ্চালন করেছেন যে যেটা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। এবং প্রথমেই আমি সঞ্জয় সিং, দেবু এবং অন্যান্য কমিটি সবাই এবং এই পুজোর সর্বাঙ্গীন উন্নতি আমি কামনা করছি। এবং তোমাদের সমস্ত সহযোগিতা নিয়ে আগামী দিনে আরো ভালো, আরো কিছু বড় কিছু প্রোগ্রাম করব, যদি তোমরা সমস্ত সমস্ত সহযোগিতায় হাত বেড়াও। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। जो अपना अथक प्रयास से ये काम जो कर रहे हैं, जैसे गहरी सुमन बताया कि उन्नीस गणित सब के प्राचीन ये रथ यात्रा यहाँ की है, तो मुझे तो मालूम नहीं था। इतना पता लगे कि उन्नीस गणित सब है, इतना भी चला रहे हैं। और आज मुझे यहाँ पर मौका मिला है, अवसर मिला है आप लोग के चलते मैं आया हूँ। और प्लॉट डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम जो है, ये बहुत अनिवार्य प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम जैसे हम लोग सोसाइटी में करते हैं, तो प्रोग्राम कौन बड़ा मुद्दे में किया जा सकता है। और आप लोग का सहयोग चाहिए, यहाँ के जितने भी हैं, वासी हैं, स्कूटी के सबके सहयोग से हम लोग और भी प्रोग्राम आगे कर सकते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग का जो मैंने देखा, उत्साह देखा, कमेटी का उत्साह देखा, प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं सुना भी है बहुत जगह, सुना भी यहाँ पर संजय सुना, सुगम तो मैं प्राचीन दोस्त है, तो इस प्रकार मुझे अच्छा लगा यहाँ पर आकर, बहुत अच्छा लगा है। तो मैं चाहूँगा कि इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए, पूजा को भी डेवलप किया जाए, जो एक पूजा यहाँ आशुतोष ब्रेंड में फेमस हो जाए, इस लगा के केन फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में यह वस्त्र वितरण अवसर पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज का दिन सिर्फ वस्त्र वितरण दिन नहीं, ये एक प्यार बांटने का दिन है, अपनों के बीच और भी अपनापन लाने का दिन है। और इन फाउंडेशन ने ये जो कोशिश की है, मुझे अत्यंत गर्व है कि आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ। आपका यह कार्य प्रशंसनीय है, सराहनीय है, अनुकरणीय है। हमारी कोशिश रहेगी कि इस दिन दिलों को जोड़ा जाए और सबको प्यार मोहब्बत के साथ इस समाज को और भी आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए। मेरा धन्यवाद और अनेकों अनेक शुभकामनाएं आप सभी को। यहाँ आप लोगों को सेवा करने का मुझे मौका मिला, इसके लिए आप लोग को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई। और मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट ईयर और भी अच्छे से आप लोगों का ये प्रोग्राम और अच्छा हो। और इसके आजकल अनुष्ठान वस्त्र वितरण তার আগে আমরা যেসব মানুষজনকে আমাদের মাঝে পেয়েছি, যাদের সহযোগিতার হাত আমাদের এই ছোট্ট কর্মযজ্ঞকে বিশাল করে তুলেছে, এক সময় ফাউন্ডেশন চেয়ারম্যান বস্ত্র বিতরণ শুরু করলেন,
श्रीमती गीता शोषा, लक्ष्मी नाग, अर्चना पांडे महाशया, जुपिटर फाउंडेशन वाइस चेयरमैन श्रीमती चैताली राय महाशया प्रस्तुत दीक्षित। आरती महतो, रीना सिंह, मालती कौर, ममता दास, लक्ष्मी चार्ल्स, लक्ष्मी चार्ल्स, कौशल्या राजवंश। आज का कार्यक्रम कैसा लगा आप लोगों को? सर बहुत अच्छा लगा। मैंने क्या आप लोग सोचे थे कि साड़ी मिलेगा? सर कभी हम तो ऐसा कभी सोचे नहीं थे क्योंकि हम यहाँ पे रहते नहीं है। अच्छा। और ये मेरा मायका है तो हम जितने साल से भी यहाँ पे पूजा हो रहा है ऐसा कोई फेस्टिवल आज तक देखे नहीं जहाँ पे सबको और लोगों को सम्मानित किया जाता है, वैसा कभी हुआ नहीं, लेकिन आज ये सब देख के बहुत अच्छा लगा। जिन लोगों ने ये साड़ी का और दिया है उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? सर उनके लिए कहना चाहेंगे कि वो हमेशा ऐसा सबके लिए करे, सबको सम्मानित करे ताकि नारी जाति को हमेशा सम्मान मिले, हमें इतना सम्मान मिलेगा। जो जिन्होंने हमें ये पुरस्कार दिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत से लोग तो गरीबों के लिए कुछ नहीं करते हैं, जिनके पास धन है पैसा है उनको क्या कहना चाहोगे कुछ करें गरीबों के लिए? हाँ गरीब के लिए करें, गरीब को लेके ही सब नेता लोग चलते हैं तो जो हमें देते हैं हम उनको देंगे। और गरीब के लिए जो नेता लेके चलते हैं वो करते हैं जो हमें देखेंगे हम ही उन्हीं को देखेंगे। अच्छा ये जो NGO है इनको इनके लिए क्या कहना चाहोगे और ये कैसा काम करें गरीब को भला हो? वो जो भी करें गरीब के लिए अच्छा ही करें बोलते हैं, जो भी करे अच्छा ही करे। आपका नाम क्या हुआ? बबली प्रसाद। आप यही रहते हो ना? हाँ यही रहते हैं। लोगों को मिला कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आप आने वाले समय में चाहते इससे भी और अच्छा हो और देने के लिए थैंक यू, जो दिया उसका भगवान का अच्छा हो। और इस मैंने जो दिए हैं आप लोग सोचे थे कभी साड़ी मिलेगा? नहीं, नहीं। बच्चों से अनुरोध है। अच्छा। मंदिर से नीचे आ जाए। आज का जो कार्यक्रम हुआ आप हम लोगों ने देखा कि बहुत से गरीब लोगों को साड़ी मिला NGO के थ्रू में, आपको कैसा लगा आज का ये प्रोग्राम देखकर? पहले बात सोचे नहीं थे कि इस यहाँ पे ऐसा कुछ होगा, फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ हुआ है। जो दिया है उनको बहुत बड़ा थैंक यू, हम लोग कभी नहीं सोचे थे फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। आप अभी और इस बार हम लोग को बहुत अच्छा लगा, इस मतलब सब लेडीज को सम्मानित किया गया NGO की तरफ से, सभी NGO को हम लोग सब महाला की तरफ से। कार्यक्रम क्या हुआ था? कार्यक्रम जैसे जगन्नाथ महापुरु का हमेशा हर साल पूजा होता है, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसे लेडीज लोग को सम्मानित किया गया है। ये पूजा यहाँ पे हर साल होता है? हर साल होता है। ये कितने दिनों का फेस्टिवल चलता है? 74 साल हो चुके हैं। अच्छा 74 साल। आप फर्स्ट टाइम हम लोग के मोहल्ले में कुछ ऐसे पर्सन आए हैं, ऐसे लीडर्स आए हैं जिन्होंने हमारे जो मेंबर्स हैं यहाँ के बहुत कुछ किया है उनको लिए हमेशा कोई ना कोई। आर यू स्टूडेंट? यस। विच क्लास यू रीडिंग? थर्ड ईयर। थर्ड ईयर। अच्छा प्लीज टेल अबाउट आवर द प्रोग्राम। प्रोग्राम इज अ वेरी वेरी वेल बिकॉज the most important thing this time is Rath Puja and all members supports in our locality. आप जब प्रोग्राम में आए हो ये जो इन लोग कंसेप्ट था तीन NGO मिलकर प्रोग्राम कर रहे हैं ये कैसा लगा तुमको? फर्स्ट टाइम हमारे मोहल्ले में ऐसा हुआ है तो बहुत अच्छा लग रहा है ये सब अपॉर्चुनिटी देख के। हम यही चाहते हैं मानसिंह डैनल में हमेशा ऐसा अपॉर्चुनिटी मिले ताकि हमारा जो मोहल्ला है फेमस हो, रथ यात्रा जब हर साल निकले इसके लिए हमेशा सब कुछ कोई दान करे जिससे हमारे जो ये प्रोग्राम किए हैं उनको क्या मैसेज दोगे? उनको हम ये बोलना चाहते हैं, बहुत बड़ा थैंक्स बोलना चाहते हैं जुपिटर फाउंडेशन, डेडिकेट फाउंडेशन एंड आशीषुल हॉनर फाउंडेशन को कि हमेशा हमारा जो हमारी लोकलिटी में रथ पूजा होता है इनको हमेशा सपोर्ट करे ताकि हम अपने रथ पूजा को और अच्छे से। फ्यूचर में क्या लगता है तुमको और क्या प्रोग्राम इस तरह होना चाहिए जो यहाँ के लोगों को भला? ऑफकोर्स क्योंकि बोलते ना बूंद बूंद से सागर भरता है तो अभी भी महसिन जगह में थोड़ा थोड़ा करके
बहुत कुछ उतने ज्यादा हम चाहते हैं कि और भी कुछ और सारा फंक्शन हो, बहुत कुछ डेडिकेशन हो यहाँ पे, यहाँ का डेकोरेशन, यहाँ का सब कुछ देख के लोग बोले कि नहीं मोहन सिंह जगह में सबसे अच्छा रथ पूजा होती है। आपका नाम क्या हुआ? मैं अर्चना पांडे। किस प्रोफेशन में हो? मैं कोचिंग चलाती हूँ अपना। अच्छा। और बच्चों को मेडिकल के लिए प्रिपेयर करती हूँ। आज के कार्यक्रम में आके कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उसको व्यक्त कर सकूँ, बहुत अच्छा लगा। हम लोगों ने देखा पहली बार तीन NGO एक कम्बिनेशन से एक प्लेटफॉर्म पर आके पहली बार एक अच्छा काम किए, उनके लिए क्या मैसेज? हर वो काम जो संयुक्त रूप से और सेवा के भाव से की जाती है वो हमेशा ही बहुत ऊँचाई पर जाती है। मुझे खुशी है कि इन तीन संगठनों ने एक साथ मिलकर काम करने की कोशिश की है, ये बहुत कामयाब हो ऐसी शुभेच्छा है मेरी। फ्यूचर में इन संगठनों के लिए कोई मैसेज है आपका, वो और किस तरह गरीबों के लिए काम कर पाए? जन सेवा सबसे बड़ी सेवा है, और ये वस्त्र वितरण तो एक बहाना था, इसी बहाने लोगों को आपस में जोड़ना था। हम एक सुदृढ़ समाज तभी बना सकते हैं जब सभी आपस में प्रेम भाव से रहें, और ऐसे प्रोग्राम हमें लोगों से जोड़ते हैं और लोगों को आपस में जोड़ते हैं। तो मेरी ये कामना है कि इन संगठनों के द्वारा लोग और भी प्यार से आपस में मिलजुल कर रहे हैं, यही प्राथमिकता है। इनकी एक छोटी सी कोशिश है लेकिन मैसेज बहुत बड़ा है। जब गरीबों का आपने कपड़ा बांटा, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट देखी, बस वही लाने की कोशिश में थी, बहुत अच्छा लगा देख के बहुत, और फिर और भी इच्छा हुई कि मैं उन लोगों के लिए कुछ करूं। और यदि थोड़ा अपने लिए तो सभी करते हैं, दूसरों के लिए करने की कोशिश की जानी चाहिए, और सबके चेहरे पर खुशी आए इससे बड़ी बात हो नहीं सकती। धन्यवाद।